your mind. My eyes are sharp like your blade. I drive your mind insane. हेलो एवरीवन, सो सब लोग कैसे हैं? 2023 का ये मेरा पहला व्लॉग है, तो सबसे पहले वेलकम टू द चैनल राइड विद द बाइक डॉक्टर। और एक चीज ये था कि जो मैंने बॉटमैन का वीडियो बनाया था तो वो 20K व्यूज चले गए, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप प्यार देते जाइए और जो मेरा वीडियो है वो देखते रहिए। तो अभी फिलहाल मैं हूँ होंडा के शोरूम में और जिस एक्टिवा पे मैं बैठा हूँ वो है एक्टिवा कीलेस, जो कि एच स्मार्ट एक्टिवा बनाई हुई है। और इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो एक्टिवा 6G थी और उसके बाद भी एक एक्टिवा जो आई है और उसके बाद ये एच स्मार्ट है। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक्टिवा 6G पे। तो ये जो एक्टिवा है ये हमारी एक्टिवा 6G है, तो इसके बारे में इतना बताने का तो जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसका एक ब्लॉग बनाया था लास्ट टाइम होंडा का। तो वो ये एक्टिवा 6G है, इसमें जो कुछ भी था और किल स्विच दिया हुआ था और जो बाकी चीजें थी वो सब नॉर्मल था। तो ये है, और इसके बाद जो एक नया डीलक्स वर्जन जो आया है वो है एक्टिवा। तो ये सिर्फ एक्टिवा है, इस पे आपको कहीं भी 6G लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये ऑल एन एवरेज वो सेम स्कूटर है, वो सेम एक्टिवा है जो वो 6G जैसी थी। बट मैं आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल में जो एक्टिवा 6G है वो शायद अभी आपको आने वाले टाइम पे जो नया मॉडल है, जो 6G वाला मॉडल है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये मॉडल जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो जिसके लिए मैं इतना दूर आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो ये है एक्टिवा एच स्मार्ट और ये कीलेस है। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इसमें आपको चाबी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कीस घूम भी जाते थे तो आपको नया लॉक सेट डालना पड़ता था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑन एन एवरेज इसमें बेसिकली जो किल स्विच है, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारे सेम है। बट इसमें दो मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि इस स्कूटर में किक नहीं है। तो अब तक का जितना भी स्कूटर मैंने चलाया है या फिर मैंने देखा है, तो ये पहला एक्टिवा है या फिर ये पहला स्कूटर है जिसमें किक नहीं दिया हुआ है। हाँ, हो सकता है कि शायद कोई सुपर स्कूटर होंगे जो जैसे सुपर बाइक जैसे होते हैं उसमें शायद नहीं दिया होगा, बट ऑन एन एवरेज जब जो इंडियन हम लोग जो चलाते हैं, जो हर कोई चलाता है, तो इसमें आपको किक नहीं मिलने वाला है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली इसका कैसा है। तो फिलहाल आपको ये जो है शॉकअप और ये मडगार्ड और इसमें एक अलग सा कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। और इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसमें नॉब जैसा सिस्टम दिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल ये जो है ये अभी बंद है, तो अगर हमको स्टार्ट करना है तो हमको प्रेस करके यहाँ पे ऐसा रोटेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा डिस्प्ले में लाइट आता है, वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गायब हो जाता है, इसलिए अभी दिखाई नहीं दिया। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको जो ब्रेक है कोई भी एक साइड का आपको दबाना है और उसके बाद आप जब ये स्टार्ट करोगे तो आपकी जो एक्टिवा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कीज की या चाबी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप शांत भी हो जाएगा, जो कि 6G या फिर ये जो एक्टिवा है जो दूसरी वाली में आपको डीलक्स मॉडल दिखा रहा था उसमें भी वैसा है। तो ये सारे जो भी फंक्शनैलिटी है ये नए वाले एक्टिवा में दी है, और किक वाला जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम पे। अभी फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई हमारा सीट और फ्यूल का कैसा है, तो सिंपल है बहुत, आपको सिर्फ ये यहाँ पे प्रेस करना है, यहाँ पे घुमाना है और आप ये जो पोजीशन देख रहे हो इस पोजीशन के यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीट और फ्यूल का। तो आप जस्ट आप ये पुश करोगे तो सीट खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीट पे बैठा था तो ये सीट जो है वो खुल गया, और फ्यूल का है सेम वही पोजीशन पे रहेगा, बस हमको ये करना है
कि जो फ्यूल के ऊपर का जो है वो अपर साइड में प्रेस करना है। तो जैसे ही अपर साइड में प्रेस करता हूँ तो आपका फ्यूल का ये खुल जाएगा और आप फ्यूल भर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अलॉय व्हील और ये डिस्क नहीं है, ड्रम है, बट इसमें अलॉय व्हील दिया हुआ है। तो इस गाड़ी की और एक खासियत है, जैसे अभी बहुत लोगों का सोचना है कि अगर इसमें की नहीं दिया है तो अगर मैं कहीं पर गाड़ी रख के जाता हूँ कोई चोरी कर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फायदा ये है कि अगर आप गाड़ी छोड़ के जाते हो, सबसे पहले तो हैंडल लॉक वो अपने आप हो जाता है, तो आप एक बार ध्यान देना उस चीज को। अगर वो नहीं भी होता है तो अगर आप, जैसे कि अगर आप 4 किलोमीटर दूर कहीं भी जाते हो तो कोई भी अगर इसको लेके जाने की कोशिश करता है तो वो 2 किलोमीटर के दायरे में ही रहेगा, वो इसको कहीं और लेके जा नहीं सकता क्योंकि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो अगर जो कोई भी लेके जाता है तो वो 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही घूमते रह जाएगा और ये गाड़ी चोरी नहीं हो पाएगी। और एक चीज ये भी हो सकता है कि अगर मेरी चाबी गुम जाती है तो इसमें दो ऑप्शंस ये है कि अगर समझो कि ये मेरा की गुम गया है तो यहाँ पे एक स्कैनर है, ये बारकोड है, इस बारकोड को आपको स्कैन करना है जो कि होंडा के ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका जैसे दोनों ही चीजें घूम जाती है तो इसमें एक चीज ये दी गई है कि ये एक मतलब नॉब है जिसको हम रोटेट करके, जिसको घुमा के हम खोल सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो इसमें दिया हुआ है, तो इस प्लास्टिक को आपको ओपन करना है। थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि ये नया है, कहीं टूट ना जाए, तो देखता हूँ मैं कैसे खुलता है। हाँ, तो ये खुल जाएगा और आपके जो इग्निशन है उसके आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको वो दिखाई देगा। तो मैं ये दिखा देता हूँ, ये जो पोजीशन है उस पोजीशन में आपको वो नॉब लगा के ओपन करना है और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा था कि इस प्लास्टिक को ओपन करने के बाद जो इसमें ये नॉब दिया हुआ है, तो इन केस अगर आपके पास जैसे कीलेस चाबी नहीं है या फिर वो बारकोड नहीं है, तो उस इमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो नॉब दिया हुआ है प्लास्टिक का, इससे हम इमरजेंसी के लिए सी और जो फ्यूल है उसको हम ओपन कर सकते हैं, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपके सेफर साइड के लिए आप क्या कीजिए, अगर जब कभी आप नया ये स्कूटर एक्टिवा खरीदते हो तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि ये एक जो है ये, या फिर ये एक आप अपने घर पे रखिए एक्स्ट्रा, मतलब सेफ्टी साइड के लिए, और एक आप कैरी कीजिए। तो अगर कभी घूम भी जाता है इनकेस तो वो आपको काम आएगा, आप घर पे से लेके आके उसको वापस से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे कि अगर बहुत लोगों को ये गाड़ी पसंद आती है तो हो सकता है कि आपके पास 5 या 6 गाड़ी सेम गाड़ी हो या फिर सेम कलर की हो, तो कभी कभी मालूम भी पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कीलेस में कि अगर आपके पार्किंग में भी की हुई है तो जैसे ही आप ये प्रेस करते हो तो ये ऐसा आपको इंडिकेट करेगा कि बाबा ये वाली वो गाड़ी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो की का ये वाला एक्टिव है। तो ये सारी चीजें दी हुई है, बाकी फंक्शनैलिटी बहुत ही सॉर्टेड है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी फिलहाल मैं चला के बता नहीं सकता, बट मैं ऑलरेडी चला चुका, तो जो फील है वो आपको ऑलमोस्ट 6G वाला ही आएगा। थोड़ा बहुत जो है जैसे हमको बताया जैसे अलॉय व्हील ये सब चीजें हैं, तो इतना तो डिफरेंस नहीं है, बट आपको वो स्मूथ मिलेगा जो भी आपको चाहिए। तो जिस किसी को भी आपको ये परचेज करना है या फिर और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो ब्लॉग में मैं मेंशन कर दूंगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं मोबाइल नंबर एड्रेस जो भी रहेगा मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर प्राइस के लिए भी आपको इंक्वायरी चाहिए या फिर कौन सा कलर अवेलेबल है, जो भी ETC एक्स्ट्रा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको ले सकते हो। और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग देखते रहिए और जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ये आप लोगों के लिए तो फ्री है बट मेरे बहुत काम की चीज। थैंक यू सो मच।